नमस्कार दोस्तों, दिल्ली फ्रूट मार्केट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज 11 फरवरी 2023 दिन शनिवार। दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या कुछ बाजार चला, मंडी में कितनी प्याज की गाड़ी आई। दोस्तों ये जो भी रेट बताएंगे प्याज के 40 किलो के मन के रेट है, यहाँ जो रेट चलता है 40 किलो का मन का रेट चलता है। भाई साहब के पास एक गाड़ी ये आई, एक गाड़ी ये आई और एक गाड़ी आई, तीन गाड़ियों इनके पास प्याज की आई। ग्राहक भी लेने वाले हैं, चलिए जान लेंगे कहाँ कहाँ के प्याज आए। सर जी नमस्कार जी। लो जी यहाँ लगा। हाँ जी, कितनी गाड़ियाँ सर जी आज, कैसी? भाई साहब आज फ्रेश अराइवल जो है वो 28 गाड़ी की है। अच्छा जी। और कल की खड़ी है 35 गाड़ी, टोटल 63 गाड़ी खड़ी है। और महुआ का रैक लगा है। हाँ जी, रैक में वैसे ये पूरा रैक नहीं है, 21 बक्से आए हैं इसमें। अच्छा जी। लेकिन 21 बक्से में भी अंदर मेरा ख्याल है 11-12 बक्सा अंदर आएगा। हाँ जी। और 9-10 बक्सा मतलब इस मंडी से बाहर जाएगा। अच्छा जी, इधर उधर मंडियों फट जाएगा। हाँ, अदर मंडियों में। एक बक्से में कितना माल है जी? रेल में करीब होगा जी 900 कट्टे के आसपास होगा। तीन गाड़ियां लगा लो, तीन भी नहीं, दो गाड़ी जी, दो गाड़ी समझो, वही 25-25 टन की दो गाड़ी। अच्छा जी। अपने आप भी, अपने पास भी है बक्से वाला कोई माल जी? नहीं जी, बक्से वाला अपने पास नहीं है। हाँ जी, अपने पास तो ये नासिक है और ये राजकोट का, ये थोड़ा बैलेंस है, ये गुजरात राजकोट जी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, ये नासिक है जी सारा? ये नासिक है जी, सारा नासिक है जी। अच्छा, ये दोनों गाड़ी नासिक है जी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, अच्छा जी जी। आज का कैसा चला जी? फिर भाई साहब आज देखो फ्रेश अराइवल जो 28 गाड़ी है उसमें से तीन गाड़ी नासिक है। हाँ जी। और 17 गाड़ी पुना सोलापुर मिला के है। हाँ जी। 28 गाड़ी महुआ भावनगर है। हाँ जी। और गोंडल राजकोट मिला के 8 गाड़ी है, 6 गाड़ी राजस्थान है जी। अच्छा जी। हाँ जी। और एक गाड़ी एमपी है। अच्छा, राजस्थान का 6 कौन से वाले हैं जी? ये जी ये अपना ये सीकर और कुचामन के जो सर्दी वाली प्याज निकलती है। अच्छा, वो है जी। आप ये देखो, ये सामने जो गाड़ी लगी है राजस्थान की है, सीकर की है, देखो ये परले वाली। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, अच्छा, तो इसमें माल कौन सा जी? वो नहीं जी, ये इधर नहीं है, वो तो बिक गया है, ढेर उसकी भरी जा चुकी है। अच्छा जी, अच्छा, वो गाड़ी मोटा है। हाँ जी, हाँ जी, माल मोटा है। इस बार क्या है कि क्लाइमेट ठीक होने की वजह से प्याज मोटी बनी है वहाँ की, वहाँ ये सीकर वाली जी। हाँ, सीकर वाली है, कुछ अपने क्वालिटी ठीक बनी है इस बार। पर इसका तो रेट बहुत ही कम लगा रहे जी, किसानों के कॉमेंट आ रहे हैं वहाँ भी रेट बहुत कम है जी। अभी इस प्याजों में, इन प्याजों में भी एक तो पहली बात तो ये ताजी निकल के आ रही है, अभी प्याजों में कच्चापन होता है इनमें। अच्छा जी। दूसरा क्या, प्याज मोटी तो है लेकिन बिल्कुल ताजी निकल के आ रही है ना जी। हाँ जी। तो प्याज में कच्चापन होता है और थोड़ा शाइनिंग और सफाई नहीं होती है इसमें। अच्छा जी। तो इस वजह से कम बिक रहा है, ये बिक रहा है 300-350 रुपए मन। किलो में बता दो जी। 8-9 रुपया। 8-9 रुपए किलो बिक रहा है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी। और बाकी ये महुआ भावनगर जो महुआ जो है ये काली प्याज ये बिक रही है 400 रुपए से लेके। हाँ, हाँ जी, ये 400-450 रुपए से लेके 470-480-500 रुपया। अच्छा जी। कोई बहुत सुपर हो तो वो 10-20 रुपए ऊपर बिक जाता है। हाँ जी। बाकी जो गुलाबी कलर वाली है वो बिक रही है 500 रुपए से लेके 570-580 रुपया, 600 रुपया। ये ऐसे कलर में जी? हाँ जी, हाँ जी, ये नासिक है, ये बिक रहा है जी ये 550 रुपया किलो का। बताओ जी किलो का, बताओ किलो का, समझ लो आप जी 14 रुपया। अच्छा जी, ये 14 रुपए। और ये कितने रुपए जी? ये बिक रहा है जी, ये तो 10.5 रुपए बिक रहा है जी, ये 10.5 रुपए। हाँ जी, हाँ जी। बाकी मतलब अमूमन ये अगर किलो में आप रेट लो तो गुजरात की प्याज का रेट आप मान के चलो 10-10.5 रुपए किलो से लेके, और काली वाली 10-10.5 रुपए से लेके 12-12.5 रुपया 13 रुपया तक। अच्छा जी, ऊपर में हाईएस्ट 13 रुपया। हाँ जी, जी। और बाकी 13 तो खैर कोई कोई एक आधा लाट, मेन मान के चलो आप 10 रुपए से 12 रुपए मेन मार्केट। अच्छा जी, अच्छा। और जो माइको कलर है, हाँ जी, वो बिक रहा है जी समझो आप 12.5 रुपए से लेके और 14-14.5 रुपया। अच्छा जी, हाँ जी, जी। और पुना की प्याज बिक रही है जी 14 रुपए से लेके, इसमें ज्यादा डिफरेंस आ गया, पहले से क्वालिटी में फर्क पड़ गया, क्वालिटी हल्की हो गई पुना की अब। अच्छा जी। ये बिक रहा है जी 14.5 रुपए से लेके 16-16.5 रुपया। अच्छा जी, हाँ जी, जी। क्वालिटी आई है 17-17.5। अच्छा जी, जी। लो क्वालिटी हो जी थोड़ी सी? हाँ, क्वालिटी पहले से कमजोर हो गई, पत्ती छोड़ने लगी जी। अच्छा जी, पुना के मालों की। हाँ जी, अच्छा जी, अच्छा। और अब थोड़ा सा क्योंकि गर्मी बढ़ रही है ना उधर पीछे, हाँ जी, इसलिए अब क्वालिटी थोड़ा सा फर्क आ गया है। अच्छा जी। तो हल्की प्याज ज्यादा आ रही है, बढ़िया प्याज बहुत कम आ रही है, मांसाखोर क्वालिटी माल जो है वो तो खैर बिक रहे हैं 16 रुपए से लेके 17.5 रुपया। हाँ जी। बाकी जो अमूमन जनरल माल जो है वो ज्यादातर वही मतलब आप समझो 14 रुपए से लेके, हाँ जी, और 16 रुपए के बीच में बिक रहा है। अच्छा जी। हाँ जी सर जी, आज की मार्केट देखिए, आज जैसे डबल मंडी है, शनिवार का दिन है, मंडी भी डबल है,
हाँ तो आज जी, कैसा बाजार चल रहा जी? नहीं बाजार तो बताया तो आपको, बाजार तो थोड़ा सा ढीला ही है जी। अच्छा जी, लेकिन हाँ ग्राहक ये माल उठा हुआ है, माल बिकेंगे। अच्छा जी, हाँ फिर रेक का भी माल, अब ये रेक का माल आना चालू हो गया, जो सामने गाड़ी उतर रही है रेक का माल है। ये जो ये वाले कट्ठे जी है? हाँ जी, जी। अच्छा ये रेक का माल है जी। हाँ, ये किस रेट में बिक रहे जी? ये जो एज पर क्वालिटी होता है वही समझो, मैं बता रहा हूँ आपको 400-450 के बीच में ज्यादा बिकेगा। अच्छा जी, हाँ जी। बस इसमें ये है कि किराया कम पड़ रहा है इनको ये? हाँ किराया वो भी देखो, अगर देखा जाए तो जी अब रैक में और ट्रक के उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। इधर एक्चुअल क्या था कि अभी वहाँ ट्रक के समय इसमें गाड़ियों की शॉर्टेज आ गई थी पीछे, आज के 4-5 दिन पहले। हाँ जी, भाड़े भी बढ़ गए थे। हाँ जी, तो इस वजह से रैक में पड़ता आ गया था। बाकी रैक में अब रैक के भाड़े भी पहले से बढ़ गए, और दूसरा इसमें क्या है, इसमें शॉर्टेज भी ज्यादा जाता है ना जी। अच्छा जी, तो जितना बहुत ज्यादा फर्क नहीं रह जाता, 20-30 रुपए का ही फर्क रह जाता, मतलब 1-2 रुपए किलो का ही डिफरेंस रह जाता है, ज्यादा नहीं रहता। अच्छा जी, ट्रक के जो ट्रक में सेफ आएगा बिल्कुल? हाँ जी, वजन भी नहीं उड़ेगा और भी नहीं काम है, बिल्कुल सेफ है जी। हाँ जी, हाँ जी, और जल्दी भी मेरे हिसाब से पहुंचेगा जी? नहीं लगभग वही टाइम उतना ही लेता है। अच्छा जी, नियर अबाउट टाइम उतना ही, जितने दिन में गाड़ी लगती है। हाँ जी, गाड़ी भी चौथे दिन लगती है, रैक भी तीसरे चौथे दिन। फिर रैक उठा के भी तो जाना पड़ता है ना जी वहाँ से? हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि खर्चे में ज्यादा डिफरेंस नहीं रह जाता है जी। अच्छा जी, क्योंकि देखिए वहाँ से जहाँ से रैक लोड होता है वहाँ से भी लोकल गाड़ी का भाड़ा लगता है। हाँ जी, फिर यहाँ से फिर लोकल गाड़ी का भाड़ा लगा। हाँ जी, फिर शॉर्टेज भी जाता है वहाँ से, पटकी लगती है। हाँ जी, क्वालिटी भी थोड़ी कमजोर होती है। हाँ जी, तो इसलिए ट्रक के माल से 10-20 रुपए कम बिकता भी है, तो कुल मिला के बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रह जाता है ट्रक के माल में। हाँ ये तो ये है कि जब गाड़ियाँ नहीं मिल रही होती हैं, गाड़ियाँ अवेलेबल नहीं होते, भाड़े ज्यादा होते हैं, तो रैक में ये होता है कि चलो ठीक है रैक में माल निकल। या फिर ये जैसे आपके बिल्कुल ये पीछे प्लेटफार्म है, रेल की पटड़ी है। हाँ, यहाँ पर ट्रेन आए और ये दीवार तोड़ के यहाँ पर बिके जी? हाँ, तब यहाँ से लोकल खर्चा कर, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहता जी। अच्छा जी, भाड़े का थोड़ा सा जो कुछ डिफरेंस आता है, खाली किराए का डिफरेंस आता है। अच्छा जी, अच्छा। हाँ खाली किराए का डिफरेंस रहना, बाकी सारा खर्चा तो सेम ही लगना है, लोडिंग उतनी लगनी है। मंडी में कुछ गोंडल वाली गाड़ियां आ रही जोन सी, और ब्रिक जाली वाले प्याज नहीं है जी, उसकी भी खड़ी कई गाड़ियां? हाँ जी, वही गोंडल राजकोट, वही तो बता रहा हूँ ना, गोंडल राजकोट की 8 गाड़ी है ना जी। अच्छा जी, अच्छा। हाँ जी, उनका भी वही सेम चल रहा जी बाजार? वो ज्यादातर जो गुलाबी कलर है वो तो बिक रहे हैं, समझो आप 12.5 रुपए से लेके और 14 रुपए के बीच में गुलाबी कलर। हाँ जी, जो गोंडल राजकोट वाली है, और बाकी जो काले कलर वाली है ये बिक रही है जी 10.5 रुपए से लेके और 11-12 रुपए। पहले आपकी दुकान पे 5-4 कश्मीर वाले वो जो ग्राहक रहते थे, माल लोड करते थे यहाँ से? वो चले गए जी, वो तो अलवर की जब तक प्याज आ रही थी। हाँ जी, वो अलवर की मतलब वो तो सब उनको गए हुए, तो मान के चले अब लगभग महीने हो गया। अच्छा जी, अब तो लोकली माल बिक रहा जी जितना भी है, बस लोकल। हाँ, अब ये तो क्या है ना कि ये जब ये नासिक गुजरात ये माल चलने चल दिसावर के माल चालू हो जाते हैं, तो इनके वो डायरेक्ट वहीं से काम करते हैं ना फिर। अच्छा जी, हाँ जी, ये तो अलवर के लिए खाली वो यहाँ आते हैं। अच्छा जी, नवंबर दिसंबर 2 महीने के लिए। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी जानकारी देने के। सर जी दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर जी? हाँ जी भाई साहब, आरची ट्रेडर्स, दुकान नंबर A991, सब्जी मंडी आजादपुर, फड़ नंबर 3738, और मोबाइल नंबर है 9810-15739। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हाँ जी, इस समय देखिए जी, इस समय आप ये मान के चलिए मार्केट सब जगह थोड़ा सा डाउन में है हर जगह, क्योंकि अब नई क्रॉप इधर जैसे बिहार बंगाल की, इधर बंगाल की नई क्रॉप निकल गई ना सुख सागर की। हाँ जी, इधर राजस्थान भी अब निकलना चालू हो गया, ये भी आना अभी मार्केट में अब आएगा। हाँ जी, और इधर ये गर्मी की वजह से अब ये इसे में लाल प्याजों का इनका भी थोड़ा सा पत्ती छोड़ना चालू कर देगा। हाँ जी, और जैसे पूना की भी क्वालिटी हल्की गर्मी की वजह से उनकी पत्ती छोड़ रही है, तो अब इस समय ये मान के चलिए प्याज चारों तरफ से अब निकलना चालू हो चुका है। हाँ जी, और यही कारण है कि प्याज में थोड़ा सा मंदा आ गया है। चलो ठीक रहेंगे, इतने तो ठीक रहेंगे, इससे मंदा क्या आ जाएगा जी? और देखो जी, सब्जी है, क्या कहा जा सकता है। हाँ जी, हाँ जी, कुछ भी हो सकता है। अभी पीछे हम लोग कह रहे थे नहीं, अब ये 9-10 रुपए से नीचे क्या आएगा, 9-10-11 रुपए से नीचे क्या आएगा, लेकिन आ गया ना। हाँ जी, अब आ गया 8 रुपए से 10-11 रुपए की मार्केट आ गई। चलो पहले 9-10 रुपए से लेके 12-13 रुपए की मार्केट थी, देखते हैं जी कहाँ। हाँ, पर ये है कि अब ये भाव जो आ गया है इनमें ज्यादा उतार चढ़ाव भी नहीं होना है, बस रुपए 8-9 ऊपर नीचे ऐसे करके चलते रहना। धन्यवाद सर जी, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद सर।